लगातार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव, और इस समय जो है वो जिस तरीके से हरियाणा युवा कांग्रेस के चुनाव हुए थे और युवा कांग्रेस के चुनाव के बावजूद जो नतीजे आए उसके बावजूद खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। जो फरीदाबाद से नवनिर्वाचित हुए हैं नितिन सिंगला, जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं युवा के, उसके बावजूद जो है वो देखिए किस तरीके का माहौल आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो खुशी का माहौल, ढोल नगाड़े बजा करके जो है वो उस खुशी का इजहार किया जा रहा है। और ये देखिए आप जो बात कर रहे हैं दाता, जो है वो इसी तरीके से जो है वो फरीदाबाद में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग जो है वो बधाई देने के लिए अपने नए युवा जिला अध्यक्ष जो है उनके पास यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों ने जो है वो जिस तरीके से, क्योंकि काफी समय बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए थे, काफी समय के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी काफी समय के बाद जो है वो चुनाव के बावजूद जो है वो नतीजे आए, और अब फिलहाल जो है वो नए युवा अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। एक बार नितिन सिंगला से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नितिन किस तरीके से इस कार्यभार को संभालेंगे। नितिन, काफी समय बाद जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव हुए हैं और अब नतीजे आए हैं, आप जिला क्या कहना चाहोगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके पंजाब केसरी चैनल का बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरीके से आप निष्पक्ष सभी पार्टियों के कवरेज करते आए हैं, और दूसरी बात जिला अध्यक्ष के चुनाव की यूथ की, तो कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा अंतर यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से लिस्ट को हमेशा से निकालने की एक रेखा रखी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी को पूर्व अध्यक्ष, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो फरीदाबाद जिले के युवाओं ने मतदान किया। करीब 25,000 युवाओं ने मतदान किया, 20,000 उसमें से एलिजिबल वोट बने, और उसके बाद में जाने के बाद में कहीं 16,300 वोटों से ये चुनाव हम लोग जीत के सामने आए। अब क्या आगे रहेगी, टीम गठित करेगी, किस तरीके से क्या तैयारी चलेगी? देखिए, हमारी ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे हमारी टीम गठित की जाएंगी। हर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष बनेंगे, महासचिव बनेंगे, सचिव बनेंगे, कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बनेंगे। इसी तरीके से जिले में टीम बनेगी, फिर प्रदेश में टीम बनेगी। तो तुरंत प्रभाव से सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि जितना ज़्यादा हो सके टीम को गठित करके भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं उसको उजागर करने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक नशा मुक्त का जो है कि हम लोग एक अभियान चलाएंगे, और फरीदाबाद में जितना हो सके युवाओं के लिए मेहनत की जाएगी सबसे ज़्यादा। नितिन, कहीं ना कहीं युवाओं का एक अहम रोल होता है किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको उठाने के लिए, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी? अब देखिए, युवाओं का सबसे अहम रोल होता है, और युवाओं को मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से समाज के अंदर काम करना चाहिए, और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमें यह सिखाया है, उसी नीति पे हम आगे बढ़ के काम करेंगे। अब चुनाव में किस तरीके से देखते हो, आगे चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव में कितना सहयोग और कितना जो है वो आप युवाओं को मोटिवेट करेंगे आगे कांग्रेस में? देखिए, जहाँ तक नगर निगम के चुनावों की बात है, आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत के आएगी, और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर तो आप आज चुनाव करवा लीजिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति हरियाणा में बनी हुई है उसमें 90 में से 70 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, और युवाओं का सबसे ज्यादा योगदान होगा इसके अंदर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए युवाओं का योगदान जो है वो बता रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जो अपने नए युवा अध्यक्ष जिनके चुने गए हैं उसको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनके नितिन के जो पिता हैं वो भी राजनीतिक परिवार से रसूख रखते हैं, क्योंकि नितिन, आपको बता दें कि नितिन का जो है वो इनके पिता भी जो है वो विधानसभा चुनाव जो है यहाँ से फाइट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, अपने साथी को जो है वो, जो नए जिला अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पे जो है वो ये लोग फूल मालाएं लेकर के पहुँच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो इनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुँच रहे हैं। उनके पिताजी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार किस तरीके से वो इस देख, नितिन जी, लखन जी बेटा जिला अध्यक्ष बना है, किस तरीके से देखते हो, क्या कहना चाहोगे? हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई है, और यूथ कांग्रेस के अंदर जो जिला फरीदाबाद में शहरी में नितिन सिंगला भारी बहुमत से जीते हैं, और यहाँ से विधानसभा हमने अनिल शर्मा जी का बेटा प्रणव खड़ा करा था,
वो भी हरियाणा में सबसे नंबर वन वोटों से जीता यूथ कांग्रेस में। और हमारी पुत्र वधू नितिन जी की वाइफ हरियाणा महासचिव जीती है और बेटी हमारी जो है कि नेहा मंगला वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीती है। और एनआईटी से जो है कि हमारे मुश्ताक हैं जो विधानसभा का चुनाव जीते हैं यूथ का, और सागर कौशिक हमारे बड़कल से जीते हैं। सारा ग्रुप जीता है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अहम आशीर्वाद रहा है और दीपेंद्र हुड्डा जी के दिशा निर्देश पे ये चुनाव हुए हैं। इसमें हम जो है कि चौधरी महेंद्र प्रताप जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं और विजय प्रताप जी हैं, रघुवीर तेवतिया जी हैं, तरुण तेवतिया जी हैं, नीरज शर्मा हमारे एकमात्र विधायक है जिले के, और जगन डागर जी हैं, रिंकू चंदीला जी हैं, जितने भी हमारे ये लोग हैं सब ने बहुत मदद करी है। भाई अनिल शर्मा ने, रोहित सिंगला ने, पार्षद ने, सब ने बहुत मदद करी है। सबके आशीर्वाद से, सबकी मेहनत से, सबकी लगन से, भारी वोटों से ये सब लोग जीत के आए हैं। इसमें मैं जितने फरीदाबाद जिले के युवा हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और माता बहन नौजवान साथी बुजुर्गों उनने जिनने आशीर्वाद दिया उनको भी नमन करता हूँ, और सीनियर कांग्रेसी लीडर जिनका आशीर्वाद बना रहा उनको भी नमन करता हूँ। कहीं ना कहीं एक नई टीम आपको मिली है, नई युवा आपको मिले हैं, चुनाव में किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा जो है वो आप? कांग्रेस मजबूत हो रही है, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक तरफा चुनाव रहेगा। एक तरफा चुनाव रहेगा, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस मजबूत की ओर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से लखन सिंगला और जो युवा अध्यक्ष जो शहरी बने हैं अभी नए वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि नए निर्वाचित जो है वो अध्यक्ष बने हैं इनके, तो लोग एक के बाद एक फूल मालाएं और गुलदस्ते लेकर के जो है वो अपने जिला अध्यक्ष को जो है वो देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए एक नई ऊर्जा का काम जो है वो इस चुनाव के बावजूद किया गया है, और नई ऊर्जा जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है वो इसी तरीके से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जितने भी जो है वो पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जितने अध्यक्ष बने हैं, तमाम जगहों पर जो है वो इसी तरीके से खुशी का माहौल जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। फिलहाल नितिन सिंगला जो है वो शहरी यहाँ से जिला अध्यक्ष बने हैं और इनके यहाँ पे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ, और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ कहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी हद तक जो है वो आने वाले चुनाव के अंदर मजबूती मिलेगी।